एक्सप्रेशनिज्म की। एक्सप्रेशनिज्म बेसिकली एक्सप्रेशन से निकला है। एक्सप्रेशन के माने आते हैं कि इंसान की जो इमोशंस हैं, उसकी जो फीलिंग है, कि जब हम उनको एक्सप्रेस करते हैं और रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं। जब आप एक्सप्रेशनिज्म को देखें तो इसके साथ साथ आपको रियलिटी को लेकर चलना होगा, क्योंकि इससे पहले रियलिज्म पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था कि जो पोइट्री है, जो शायरी है, या जो आपकी स्कल्प्टर हैं, वो रियलिटी पर जोर दें। लेकिन जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, तो यहाँ पर आर्टिस्ट को ऐसा लगने लगा कि रियलिटी से हटकर भी हम लिटरेचर को, आर्ट को, या फिर शायरी को, या फिर मूर्तिकला को, इनको अलग से भी हम देख सकते हैं। और एक्सप्रेशनिज्म बेसिकली रियलिज्म के अगेंस्ट आई थी, यानी ये पूरी तरह से विरोध करती है रियलिज्म का। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसे कि आपको ये पता ही है कि जो अक्सर जो मोमेंट है वो जर्मन से, यानी जर्मनी से निकली है, इसी तरह से एक्सप्रेशनिज्म भी एक जर्मन मोमेंट है। ये आपको याद रखना है कि एक्सप्रेशनिज्म इज अ जर्मन मूवमेंट इन लिटरेचर एंड अदर आर्ट्स। और एक्सप्रेशनिज्म ये लिटरेचर के अंदर भी पढ़ी जाती है और दूसरी जो कलाएं हैं उनके अंदर भी इसको पढ़ा जाता है, जैसे कि विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट मींस इसमें आप मूर्तिकला को ले सकते हैं, पेंटिंग को ले सकते हैं, ड्राइंग को ले सकते हैं। तो एक्सप्रेशनिज्म बेसिकली जर्मन से जुड़ी हुई एक मूवमेंट है जो लिटरेचर को भी कवर कर लेती है और इसी के साथ साथ वो पेंटिंग को, ड्राइंग को और मूर्तिकला को, सबको कवर करती है। इसका जो समय रहा है 1910 से 1925 तक का जो समय है, यहाँ पर ये अपनी पूरी तरह से पीक पर थी। यानी सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेशनिज्म पर बात की गई है 1910 और 1925 के बीच में की गई है। और आपको ये पता ही होगा कि 1914 से 1918 तक का जो समय है वो वर्ल्ड वार फर्स्ट का समय है, तो यहीं पर ये पूरे वर्ल्ड वार फर्स्ट को कवर कर लेती है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का समय है, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुई उसके बाद में रियलिज्म पर जोर कम दिया गया और जो एक्सप्रेशनिज्म है उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। और ये वो समय रहा 1910 और 1925 का ये समय रहा जबकि बहुत सारी क्रांतियां देखने को मिली हैं, है ना। इज़म, इज़म मीन्स कि बहुत सारी नई नई बातें देखने को मिली हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार जो विश्व युद्ध हुए हैं उन्होंने बहुत सारी जो सोच थी, विचार थे, चीज़ों को लेकर वो बदल दिए थे। तो 1910-1925 का ये वो समय है जबकि बहुत सारे इज़म शुरू हुए, जैसे कि इसमें डैडाइज़म आप देख सकते हैं, एक्सप्रेशनिज़म देख सकते हैं और बहुत सारे इज़म। और इसके अलावा जो मॉडर्निज्म है वो भी यहीं पर शुरू होता है, क्योंकि जो मॉडर्निज्म है ये उसका भी समय है। तो देखो, मॉडर्निज्म में इज़म है, एक्सप्रेशनिज़म, डैडाइज़म, ये सब चीज़ें। तो 1910 और 1925 के बीच में एक्सप्रेशनिज़म उन्हीं के साथ शुरू हुआ था जबकि बहुत सारी चीजें शुरू हो रही थी, जैसे कि मॉडर्निज्म भी उनमें से आ जाता है। और यहाँ पर जो इसके शुरू करने वाले हैं, जो इस क्रांति को लेकर आए थे, वो बेसिकली आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट मींस जो कलाकार हैं। कलाकार का मतलब मेरा ये है कि वो ड्राइंग से जुड़े हुए लोग थे, वो मूर्ति कला से जुड़े हुए लोग थे, वो पेंटिंग से जुड़े हुए लोग थे, एंड राइटर्स। और इसके साथ साथ जो राइटर्स हैं वो लोग इसको लेकर आए थे। राइटर्स में आपके शायर हो सकते हैं, आपके प्रोज राइटर हो सकते हैं, जो भी राइटर के उसमें आते हैं। तो ये वो लोग हैं, आर्टिस्ट और राइटर्स, जिन्होंने एक्सप्रेशनिज्म को शुरू किया था। और फिर ये दूर दूर तक जो है वो फैल गया था, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में एक्सप्रेशनिज्म की धीरे धीरे बात होने लगी है। और इसमें जो इसको लेकर आए थे, जिन्होंने एक्सप्रेशनिज्म को शुरू किया था, वो पेंटिंग से जुड़े हुए लोग भी थे। पेंटिंग से जुड़े हुए कौन कौन लोग थे, कि विंसेंट वैन गोग, ये पेंटिंग से जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक्सप्रेशनिज्म की बात की है और शुरू भी किया है। पॉल गोगिन, ये भी पेंटिंग, ये भी एक पेंटर थे, इन्होंने भी एक्सप्रेशनिज्म को शुरू किया है। और एक नॉर्वेन एडवर्ड मुंच, इन्होंने भी इसको शुरू किया है। यहाँ तक कि मुंच का जो एक लिटोग्राफ है, द क्राई, 1894 में ये आया था, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशनिज्म की बात की है। तो ये वो पेंटर हैं जिन्होंने एक्सप्रेशनिज्म को शुरू किया है। और इसके अलावा इसमें जो स्टाइल है उसकी बात की गई है, जो फिगर ऑफ स्पीच है उनकी बहुत ज़्यादा बात की गई है। और
इसके जो हॉरर है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में जो एक डर था लोगों के बीच में, उसको भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। उससे पहले तो रियलिज्म की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशनिज्म, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पूरी हो गई थी, 1918 में ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पर जो उसका स्क्रीम्स ऑफ प्योर हॉरर, जो एक डर था जो देखा गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और इसका जो मोड था वो तो आपको पता ही होगा, चल गया है कि एक्सप्रेशनिस्ट मोड, यानी जो भी आप शायरी कर रहे हैं, जो भी आप मूर्ति बना रहे हैं, जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, सबके अंदर जो मोड रखा गया वो एक्सप्रेशनिज्म का मोड रखा गया, यानी आपको रियलिज्म को पीछे छोड़ देना है और जो इमोशंस है, फीलिंग है, इंसान के दिल से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो उस मूर्ति में, राइटिंग में, शायरी में दिखाने की कोशिश की गई थी। इनमें जो प्रोमिनेंट, अब आपने पेंटर तो देख लिए हैं, अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि वो कौन राइटर है, क्योंकि हमको इसको लिटरेचर में पढ़ना है, तो वो कौन ऐसे लिटरेरी आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बात हम 19th सेंचुरी की कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले फ्रेंच पोएट का नाम आ जाता है, क्योंकि वर्ड जर्मन से शुरू जरूर हुई थी लेकिन पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल गई थी। तो फ्रेंच एक पोएट हैं, चार्ल्स बोडलियर, आपने इनका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो चार्ल्स बोडलियर वो पहले इंसान हैं, या वो इंसान है जिन्होंने लिटरेचर के अंदर एक्सप्रेशनिज्म को दिखाया है। तो लिटरेचर में आपको इनका नाम याद कर लेना, चार्ल्स बोडलियर का, एंड आर्थर रिम्बोर्ड, ये भी उन लोगों में से जिन्होंने इसको शुरू किया था। और अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में फ्योदोर दोस्तोवस्की हैं, इन्होंने रशिया के अंदर इस मूवमेंट को फैलाया। और जर्मन की अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक नीत्शे, ये अलग अलग देश के अलग अलग लोग हैं जिन्होंने एक्सप्रेशनिज्म को शुरू में बढ़ावा दिया था। तो ये जर्मन फिलोसफर हैं फ्रेडरिक नीत्शे, इनका नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। और इसके अलावा स्वीडिश ड्रामेटिस्ट हैं ऑगस्ट स्टिनबर्ग, ठीक है, इन्होंने भी इसको शुरू करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। और एक्सप्रेशनिज्म अपने आप में कह रहे हैं कि वेल डिफाइंड, कि ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। एक्सप्रेशनिज्म का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे या आप उसको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो ये कह रहे हैं कि ये कोई कंसर्टेड और वेल डिफाइंड नहीं है, बस ये है कि एक रियलिटी थी और उसके अगेंस्ट में जो है एक मोमेंट आई जिसको हम एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं, जो कि एक्सप्रेशन से, इमोशन से, फीलिंग से जुड़ी हुई एक मोमेंट है। तो ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेशनिज्म इज इटसेल्फ वाज नॉट अ वेल डिफाइंड मोमेंट, कि वेल डिफाइंड मोमेंट नहीं है। अक्सर यही कहा गया है कि लेकिन फिर भी हमें तो ये तो पता तो होना चाहिए कि एक्सप्रेशनिज्म क्या है, तो उसी को कहा गया है। लेकिन एक्सप्रेशनिज्म के बारे में ये जरूर कहा गया है कि इट इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ रियलिज्म, कि ये एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी मोमेंट है जो कि रियलिज्म के खिलाफ आई थी। यानी एक तरफ रियलिज्म चल रहा था वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले, वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय में, और वर्ल्ड वार फर्स्ट के खत्म होने के बाद में रियलिज्म के जो एक विरुद्ध मोमेंट आई वो हम एक्सप्रेशनिज्म को बात कहते हैं। इस और यहाँ तक के जो रियलिज्म का जो सब्जेक्ट मैटर था और जो स्टाइल था, दोनों चीज़ों के जो विरुद्ध एक मोमेंट आई है वो एक्सप्रेशनिज्म है। एक्सप्रेशनिज्म का सब्जेक्ट मैटर भी चेंज हो गया और स्टाइल भी चेंज हो गया था रियलिज्म से। एक्सप्रेशनिस्ट जो आर्टिस्ट हैं या फिर वो राइटर हैं, उन्होंने सबसे पहले एक्सप्रेस पर्सनल विजन, वही बात है कि उन्होंने अपने विजन को एक्सप्रेस किया है, उन्होंने रियलिटी का बिल्कुल भी परवाह नहीं की है, उन्होंने जो उनको सही लगा, पर्सनल विजन, यहाँ पर वर्ड है कि पर्सनल विजन, जो उनको सही लगा पर्सनली उन्होंने वही चीज़ वहाँ पर एक्सप्रेस की है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इमोशनल विजन है उनसे काम लिया गया है, और इंसान की जो लाइफ है और उसके सोसाइटी है इंसानों की, उसके अंदर रियलिटी से हटकर जो भी चीज़ें हैं उन पर विचार किया गया था। और यहाँ पर एग्जेजरेट आप देख सकते हैं, डिस्टॉर्टिंग देख सकते हैं। एग्जेजरेटिंग का मतलब यह है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर, जैसे कि रोमांटिक शायर होते थे वो भी फीलिंग से काम लिया करते थे, तो इसी तरह से कि यहाँ पर आप एक तरह का एग्जेजरेशन देखेंगे, यानी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि ये तो रियलिटी के खिलाफ था, तो रियलिटी में चीज़ों को बैलेंस किया जाता था, जबकि एक्सप्रेशनिज्म में ऐसा नहीं है, बल्कि चीज़ों को याद रखना आपको एग्जेजरेटिंग, कि एक तरह का एग्जेजरेशन देखने को मिला। डिस्टॉर्टिंग के चीज़ें थोड़ा सा आपको सही नहीं भी लग सकती कई बार, इस तरह भी आर्ट के साथ में या लिटरेचर के साथ में
काम किया गया है। और जैसे कि रियलिज्म में क्या था कि वो ऑब्जेक्टिव फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड के रियलिज्म में यही था कि आप ऐसा काम करें कि जो ऑब्जेक्टिविटी हो, यानी आप कोई ऐसी डेफिनेशन दें या आप कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं, कोई भी ऐसी शायरी लिखें जो कि पूरे वर्ल्ड में मानी जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वोइलेंट एक्सट्रीम्स ऑफ मूड एंड फीलिंग, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी पर ध्यान दिया गया। एक्सप्रेशनिज्म कैसी है, सब्जेक्टिविटी थी उसके अंदर, और जबकि रियलिज्म में एक तरह की ऑब्जेक्टिविटी थी। और दूसरा यहाँ पर एक्सट्रीम्स ऑफ मूड एंड फीलिंग के पूरी तरह से जो फीलिंग है और पूरी तरह से जो मूड है जो रियलिज्म में चलता आ रहा था उसको चेंज कर दिया गया। और बहुत सारे वर्क जो कि एक्सप्रेशनिज्म में लिखे गए हैं वो यहाँ पर हमें यही बताते हैं कि इंडिविजुअल स्टैंडिंग, कि एक इंसान वो किस तरह अपने आप को फील करता है, ठीक है। कहाँ पर, इंडस्ट्रियल के, जबकि पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियां खोली जा रही हैं, औद्योगिक क्रांति चल रही है और टेक्नोलॉजी आ रही है, और इसके अलावा जो अर्बन सोसाइटी हैं वो फैलती जा रही हैं, और एक तरह का जो कैओस है जो कि पूरी दुनिया में जो कैओस फैलता जा रहा है, तो एक इंसान इन सब चीज़ों के बीच में अपने आप को कैसे फील करता है या अपने आप को, तो यहाँ पर वर्ड है अफ्रेड, कि इन सब चीज़ों के डर के बीच में एक आम इंसान अपने आप को कैसा फील करता है। तो ये सब चीज़ों का जो जिक्र है वो एक्सप्रेशनिज्म के अंदर दिखाया गया है। क्यों, आपको पता होगा कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजीज हैं, अर्बन सोसाइटी है ना, और ये जो एक तरह का कैओस है जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती चली गई हैं। तो जब ये चेंज चल रहा था, जब चेंजिंग चल रही थी, तो एक आम आदमी, एक आम नागरिक कैसा फील कर रहा है, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं एक्सप्रेशनिज्म के अंदर। और ड्रामा वाज अ प्रोमिनेंट एंड वाइडली इन्फ्लुएंशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट, ठीक है। यानी जो ड्रामा है वो एक तरह का प्रोमिनेंट स्टाइल रहा है राइटिंग में, ड्रामा बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं, और यहाँ तक के जो ड्रामा है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी रहे हैं। यानी एक्सप्रेशनिज्म को जितना अच्छा ड्रामा ने जो है दिखाया है वो किसी ने नहीं दिखाया। यहाँ कुछ इस तरह के नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से ड्रामे लिखे हैं, जैसे कि जर्मन प्ले राइट जॉर्ज कैसर हैं, आप इनको देख सकते हैं। गैस फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, यहाँ देखें गैस फ्रॉम, यानी सुबह से शाम तक जो एक गैस है, जो एक अराजकता है, तो वो आप देख सकते हैं इस ड्रामे को पढ़कर। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर लिखा गया ये एक ड्रामा है। और दूसरा आप अर्नेस्ट टोलर को देख सकते हैं, उन्होंने मास मैन जो है एक ड्रामा लिखा, आप उसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह बर्टोल्ड ब्रेच्ड हैं, ये ऐसे ड्रामाटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सप्रेशनिज्म के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी, अर्बन सोसाइटी और एक तरह का जो कैओस है उन सब चीज़ों को दिखाया है। ये नाम आप देख लेना, जॉर्ज कैसर इनका वर्क है, अर्नेस्ट टोलर मासमैन इनका वर्क है, और बर्टोल्ड ब्रेच्ड आपका नाम सुना हुआ है काफी। एक्सप्रेशनिज्म जो 1925 में ये शुरू जो है अपनी एक चरम सीमा है, क्योंकि 1910 और 1925 के बीच में एक्सप्रेशनिज्म अपनी पीक पर था, अपनी चोटी पर था, लेकिन 1930 तक इसको दबा दिया गया था। किसके द्वारा, जो जर्मन के अंदर जो नाजी हैं उन्होंने 1930 तक इसको पूरी तरह से सप्रेस करने की कोशिश की, इसको दबाने की कोशिश की, ठीक है। तो 1910 में शुरू हुआ और 1930 तक इसको लगभग जर्मनी के अंदर, जर्मनी से शुरू हुआ था और जर्मनी में फिर इसको दबाने की भी बात होने लगी। लेकिन अब चूंकि ये जर्मनी की मूवमेंट तो जर्मनी से शुरू जरूर हुई थी, लेकिन 1930 तक या 1925 तक ये जर्मनी में नहीं था, बल्कि रशिया में पहुंच चुका था, फ्रेंच में पहुंच चुका था और अमेरिका में पहुंच चुका था। तो इसी तरह से ये जर्मनी में ज़रूर दबा दिया गया, लेकिन फिर भी ये जो है फलता फूलता रहा, कहाँ, अमेरिका में, है ना। और इसके अलावा जो यूरोप की दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पर ये पूरे जो है चलता रहा, हालांकि जर्मनी के अंदर ये दबा दी गई थी मूवमेंट को। और आर्ट और लिटरेचर जो भी इसके फील्ड थे ये सबको कवर करता रहा, अमेरिका, यूरोप, रशिया, फ्रांस, यहाँ पर ये चलता रहा। इसके कुछ इफेक्ट्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो कहा, राइटिंग एंड स्टेजिंग ऑन सच प्लेस एज टॉन्टन्स वाइल्डर्स स्किन ऑफ अवर टीथ, है ना। ये कह रहे हैं कि आप थॉर्नटन जो वाइल्डर हैं उनका जो वर्क है द स्किन ऑफ अवर टीथ, आप इसके अंदर इसको देख सकते हैं,
और फिर आर्थर मिलर जो के बाद के राइटर हैं, उन्होंने डेथ ऑफ अ सेल्समैन इन्होंने ये लिखा है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। यानी आर्थर मिलर कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं, तो आप देख सकते हैं यानी अलग अलग कंट्रीज के जो ड्रामेटिस्ट थे, जो राइटर थे, वो इसमें काम करते रहे, ये कहने का मतलब है इनका यहाँ से। और फिर इसी तरह से थिएटर ऑफ एब्जर्ड में आप इसको देख सकते हैं, और एलन गिन्सबर्ग की जो शायरी है उसमें आप देख सकते हैं, और जो बीट राइटर्स हैं, बेसिकली जो बीट राइटर्स हैं उनके वर्क में भी आप एक्सप्रेशनिज्म को अच्छे से देख सकते हैं। और सैमुअल बेकेट का जो प्रोज फिक्शन है ये भी अमेरिकन है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशनिज्म के ऊपर बात की गई है। और कुर्ट वैनगट के वर्क में जोसेफ, ये कुछ नाम है, थॉमस पिंकन, इस तरह के नाम है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।